गाइज ऑनलाइन अर्निंग के फील्ड में फास्टैग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पता ही होगा, चाहे वो प्रीपेड कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने की बात आए या फिर कोई ऐसा ऑफर जिसमें रिचार्ज या बिल पेमेंट करना हो, तो उसमें फास्टैग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने ऑलरेडी फास्टैग के ऊपर काफी दिनों पहले वीडियो बनाया था, तो बहुत लोगों के पास ऑलरेडी फास्टैग है और ऑलमोस्ट सभी यूजर के पास पेटीएम का फास्टैग है और पेटीएम फास्टैग काफी अच्छे से वर्क करता है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि पेटीएम फास्टैग का जो मंथली लिमिट वो 10,000 रहता है, ये तो ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे जगह है जिसमें ऑफर अप्लाई करने में पेटीएम फास्टैग वर्क नहीं करता है, तो ऐसे में हमारा काम आता है एयरटेल का फास्टैग। अब गाइस एयरटेल का फास्टैग हम लोग कैसे बनाएंगे और विदाउट आरसी कैसे बनाएंगे, अगर आपके पास आरसी नहीं है या फिर गाड़ी भी नहीं है तो भी आपको यहाँ पर फास्टैग मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है लाइव करके दिखाऊंगा, तो बस इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, आपको पता चलेगा कि एयरटेल का फास्टैग हम लोग कैसे बनाएंगे। और एयरटेल फास्टैग का जो मंथली लिमिट है वो 25,000 रुपए रहता है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। चलिए बिना फोटो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारा प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं नॉर्मल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एयरटेल का फास्टैग अप्लाई करोगे, उसके बाद विदाउट आरसी वाला प्रोसेस भी बताऊंगा, बिना आरसी का कैसे आप लोग फास्टैग लोगे या फिर आपके पास गाड़ी नहीं भी है तो भी कैसे फास्टैग लोगे। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपके पास एयरटेल का पेमेंट बैंक होना चाहिए, एयरटेल पेमेंट बैंक में कम से कम 250 रुपए आपको रखना है, क्योंकि 250 रुपए आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, जिसमें से 150 रुपए आपको वापस मिल जाएगा, सिर्फ 100 रुपए ही आपका कटेगा। पहले जो है 50 रुपए भी मिलता था मतलब कैशबैक, लेकिन अब नहीं दे रहा है, अब आपको 100 रुपए लगेगा और 150 रुपए आपका रिजर्व बैलेंस में रहेगा, जो कि जब आप फास्टैग बंद करोगे तो आप लोगों को वो 150 रुपए वापस मिल जाएगा। तो मान लेते सिर्फ 100 रुपए ही आपको यहाँ पर कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर लेना है, यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी 267 रुपए है, तो चलिए मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर में प्रोफाइल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑर्डर्स का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पे जाना है, उसमें जाने के बाद यहाँ पर स्टार्ट शॉपिंग लिखा हुआ आएगा, तो आपको सिंपल से स्टार्ट शॉपिंग पे क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपको ट्रैवल का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, तो इसी में देखिए लिखा होगा एनईटीसी फास्टैग, तो आपको एनईटीसी फास्टैग पे क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बाय फास्टैग का ऑप्शन मिलेगा, आपको बाय फास्टैग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर व्हीकल नंबर डालने के लिए बुलाएगा, तो व्हीकल नंबर यानी आपका जो गाड़ी का नंबर हो, गाड़ी का नंबर डालिए, चाहे आपके पास टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कोई सा भी गाड़ी हो, आप गाड़ी का नंबर डाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपलोड फ्रंट एंड बैक आरसी लिखा होगा, तो सिंपल आपको आरसी का फ्रंट साइड एंड बैक साइड अपलोड करना है। तो जैसे कि अब मेरे पास आरसी है तो सिंपल से पहले फ्रंट वाले पे क्लिक करता हूँ, आप लोग कैमरा से भी यहाँ पर खींच सकते हो या फिर गैलरी से अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट, तो मेरे पास गैलरी में है तो मैं यहाँ पर फ्रंट अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं बैक वाले पे क्लिक करता हूँ और आरसी का बैक साइड अपलोड कर देता हूँ। अगर आपके पास बैक साइड नहीं है तो आप लोग फ्रंट साइड को ही दोनों बार अपलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने अपलोड कर दिया उसके बाद मैं सिंपल से नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद आपका एड्रेस डिटेल्स मांगा जाएगा, तो आपको किस जगह पर मतलब फास्टैग चाहिए या फास्टैग आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएगा, तो आप अपना रियल एड्रेस डाल दीजिएगा, इस पर आपको मिल जाएगा आपको फास्टैग। तो उसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करने के बाद जो आपका एड्रेस आपने डाला है वो आ जाएगा, सिंपल से उसे कन्फर्म कीजिए, कन्फर्म करने के बाद आपको प्राइस ब्रेकअप दिख जाएगा नेक्स्ट पेज पर, यानी कि कितना क्या कॉस्ट लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा रिजर्व बैलेंस में 150 रुपए, यानी कि जो फास्टैग का बैलेंस वो 150 रुपए, और 100 रुपए मुझे टैग का कॉस्ट लग रहा है, यानी कि फास्टैग का चार्ज 100 रुपए लग रहा है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर एग्री टर्म एंड कंडीशन आएगा तो एग्री कर दीजिएगा और प्रोसीड टू पेपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पेपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर एम पिन मांगा जाएगा आपसे, तो आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एम पिन है एम पिन डाल दीजिएगा, एम पिन डालने के बाद आपका सक्सेसफुली अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक से और इंस्टेंट फास्टैग आपका बाई हो जाएगा। देख सकते हो मेरा फास्टैग बाई हो गया, मैं बैक करता हूँ तो यहाँ देखिए मेरा अभी प्रोसेसिंग भी दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ प्रोसेसिंग दिखता है, आपका इंस्टेंटली जो है वो चालू हो जाता है। मैं आपको फास्टैग रिचार्ज करके भी अभी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बैक करता हूँ, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाता हूँ, यहाँ देखिए मेरा 100 रुपए डेबिटेड हुआ है, बाकी जो 150 वो मुझे रिजर्व बैलेंस में मिल गया है। अब यहाँ पर जो मेरा बैलेंस देख लीजिए अकाउंट में अभी 17 रुपए है। अब चलिए मैं आपको फास्टैग रिचार्ज करके दिखाता हूँ, तो मैं फास्टैग रिचार्ज क्रेड के थ्रू करूंगा, मैं अपना क्रेड एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, आप लोग कहीं से भी फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो। तो मैं अपना क्रेड ओपन करता हूँ, क्रेड ओपन करने के बाद यहाँ पर बिल पे का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो मैं इस पे जाता हूँ, इसमें जाने के बाद मैं फास्टैग का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जो प्रोवाइडर है प्रोवाइडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो मैं एयरटेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद व्हीकल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो जो आपका गाड़ी का नंबर है वो गाड़ी का नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे मैंने डाला तो नेक्स्ट पेज पर देखिए मेरा नेम वगैरह सब कुछ आ गया, यशवंत कुमार, तो जो आपको नेम शो हो जाएगा समझ लीजिए आपका ये फास्टैग है। तो यहाँ पर और बाकी जो बैंक में बैलेंस वो भी आपको शो हो जाएगा, देखिए 167 रुपए शो हो रहा है, 150 रुपए वो रिजर्व बैलेंस प्लस 17 रुपए था, यानी कि 167 रुपए। तो चलिए मैं सिंपल सा प्रोसीड टू पे पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 100 रुपए अमाउंट में डाल देता हूँ, मिनिमम आप लोग 100 रुपए का फास्टैग चार्ज कर सकते हो, तो 100 रुपए डालता हूँ, उसके बाद मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ,
और जो मेरा यूपीआई पिन है मैं अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कर देता हूँ। जैसे मैंने पेमेंट किया देख रहे जो फास्टैग रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए मैं अपना एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर बैलेंस देख लीजिए जो कि 17 रुपए था अभी 117 रुपए हो चुका है। मैं हिस्ट्री में जाता हूँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में तो यहाँ भी देख लीजिए जो मेरा 100 रुपए का फास्टैग रिचार्ज दिखा रहा है क्रेडिट हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इजिली एयरटेल का फास्टैग बना सकते हो, सिर्फ 2 मिनट का काम है तुरंत बन जाएगा। अब चलिए बात करते हैं जिनके पास आरसी नहीं है ना ही गाड़ी है वो लोग कैसे फास्टैग बनाएंगे, तो वो उसका भी ट्रिक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसके लिए एक एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है आरटीओ। तो सिंपल से आरटीओ ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैंने ओपन कर लिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो जाकर। तो मैंने ओपन कर लिया डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज आपको प्रीफर हो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो सिटी में कोई सा भी एक सिटी आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग फ्रंट पेज पर पहुंच जाओगे तो यहाँ पर देखिए आरसी डिटेल्स लिखा होगा, तो आपको आरसी डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्हीकल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको गाड़ी का नंबर डालना है। तो आप घर से थोड़ा बाहर निकलिए, जो भी आपको आसपास गाड़ी दिखे वो गाड़ी का नंबर आप लोग डाल दीजिए, चाहे बाइक हो कार हो। कार का नंबर डालेगा हो सकता है उसका पहले से अगर बना होगा फास्टैग तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो बाइक का नहीं बनता तो बाइक ही आप लोग डाल दीजिएगा। तो गाइज मुझे यहाँ पर एक बाइक दिख गई है, मैं इसका डिटेल यूज कर लूँगा। आप लोग भी घर से बाहर निकलिए, आपको भी गाड़ी दिख जाएगा। पीछे से गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा लेकिन आगे इसका लिखा हुआ है। बाइक का मैं नंबर डाल देता हूँ, कोई सा मैं अपने मन से एक बाइक का नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा। ऐप में अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर लगता है, तो मोबाइल नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। सिंपल सा ओटीपी आया, ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिट्राई बताया जा रहा है, यानी कि मेरा व्हीकल नंबर गलत था तो मैं फिर से दोबारा एक कोई सा भी व्हीकल नंबर मैंने डाला और इस बार ले लिया है। यहाँ पर देखिए मेरा आरसी डिटेल्स आ गया, तो आपका भी आरसी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये जो आरसी डिटेल है ये कंप्लीट आरसी डिटेल नहीं है। पहले क्या होता था कि पूरा आरसी डिटेल मिल जाता था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, तो आपको फुल आरसी डिटेल भी मिल जाएगा। इसके लिए देखो ऊपर लिखा होगा शो फुल आरसी डिटेल्स, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर 5 डिजिट का चेसिस एंड इंजन नंबर मांगा जाएगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपके पास तो गाड़ी नहीं है तो आप लोग इंजन एंड चेसिस नंबर कैसे लाओ। तो इसके लिए क्या करना, आपको अपना फोन पे ऐप को ओपन करना है। तो मैं अपना फोन पे ऐप को ओपन कर लेता हूँ, आप सभी के पास फोन पे का एप्लीकेशन होगा ही। तो मैं अपना फोन पे ऐप को ओपन किया, उसके बाद यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इंश्योरेंस वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर देख लीजिए आपको बाइक कार सब ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अपना बाइक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाइक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बाइक का नंबर मांग रहा है, मैं अपना बाइक नंबर डाल देता हूँ। जो मैंने बाइक नंबर वहाँ पर डाला था वही बाइक नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका प्रीवियस पॉलिसी वो एक्सपायर हुआ था 90 दिन से ज्यादा हो गया है, तो आपको यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट करना। मैं अपना यस सिलेक्ट कर लेता, आप लोग यस सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा होगा व्यू कोड्स, तो आपको व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। तो व्यू कोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्लान सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा नेक्स्ट पेज पे। तो कोई सा भी एक प्लान सिलेक्ट कर लीजिए, तो जैसे कुछ भी मैं एक प्लान सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्लान सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। तो यहाँ देखिए कोई भी रियल डालने की जरूरत नहीं है, सब फेक डाल दीजिए। मोबाइल नंबर कोई भी 10 डिजिट का डाल दीजिए, ईमेल आईडी कुछ भी डालकर @gmail.com लगा दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर अगर आपको नहीं मिलता है, इनवैलिड बताता है, तो आप लोगों को पैन कार्ड का लिस्ट में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। काफी सारे फेक पैन कार्ड का लिस्ट मैंने टेलीग्राम पर दिया हुआ है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, या फिर टेलीग्राम पर टेक्नो या फोन सर्च करोगे तो भी चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मैं एक पैन कार्ड नंबर डालता हूँ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी 18 साल से ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट पेज पर आपको इंजन एंड चेसिस नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हो मेरा इंजन एंड चेसिस नंबर, ये लास्ट का 5 डिजिट ही है जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अब बस आपको मिल गया इंजन एंड चेसिस नंबर, वापस से आरटीओ ऐप में आ जाइए, यहाँ पर जो 5 डिजिट का चेसिस नंबर मांग रहा है वहां पर वो देखकर यहाँ डाल दीजिएगा और इंजन नंबर देखकर डाल दीजिएगा। जैसे डाल के सबमिट करोगे तो आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डाल दीजिएगा वहां पर और आपको फुल आरसी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। जो नेम वगैरह में पहले स्टार स्टार था वहां पर सब कुछ फुल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, इस आरसी को निकाल लेना है। इसके लिए ऊपर देखिए शेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो शेयर वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कहीं भी टेलीग्राम व्हाट्सएप कहीं पर भी शेयर करके रख लीजिए। जब आप शेयर करोगे तो वो पीडीएफ फॉर्म में शेयर हो जाएगा, तो उस पीडीएफ को आपको यहाँ पर ओपन करना है और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। पीडीएफ ओपन करके स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको क्रॉप कर लीजिए, क्रॉप करके एक अच्छे से मतलब क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लीजिए। बस आपका अब आरसी तो निकल गया है। अब सिंपल सा चलिए मैं एयरटेल ऐप को फिर से ओपन कर लेता हूँ, आप लोग एयरटेल ऐप को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से मैं फास्टैग परचेस वाले सेक्शन में जाता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया तो वैसे कर लीजिएगा। फास्टैग परचेस वाले सेक्शन में आता हूँ, उसका यहाँ देख लिखा बाय न्यू फास्टैग, मैंने ऑलरेडी एक फास्टैग ले चुका है,
तो बाय न्यू फास्टैग पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर व्हीकल नंबर मांग रहा है, तो जो व्हीकल नंबर का मैंने आरसी निकाला है वही गाड़ी का नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए अपलोड फ्रंट एंड बैक आरसी लिखा हुआ है, तो फ्रंट एंड बैक आरसी में जो आपने आरटीओ के थ्रू अभी निकाला है आरसी, उसी को दो बार अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर एड्रेस मांगा जाएगा, तो मेरा ऑलरेडी एड्रेस डाला हुआ था इसलिए कंफर्म करने का ऑप्शन आ रहा है, आपका नहीं होगा तो पहले एड्रेस डालिएगा फिर से नेक्स्ट पेज पर कंफर्म कर लीजिएगा। बस एड्रेस डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री कीजिए, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पर पेमेंट जो है एम पिन डालकर आपको पेमेंट डिडक्ट करवा लीजिएगा अपने बैंक अकाउंट से, इजिली इंस्टेंट आपका फास्टैग बन जाए, तो ना आपको गाड़ी लगा ना आपको आरसी की नीड पड़ी, आपको इजिली आरसी भी निकल गया और इंस्टेंट फास्टैग भी पड़ गया, तो आप लोग इजिली दो मिनट के अंदर जो है फास्टैग बनवा सकते हो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसका जैसे कि मैंने आपको बताया मंथली लिमिट 25,000 रुपए है, आप लोग तुरंत रिचार्ज करके भी देख सकते हो, आपका रिचार्ज भी होने लगेगा और काफी जगह पर आपका काम आएगा, यहाँ पर पेटीएम का फास्टैग नहीं लगता, वहाँ पर एयरटेल का फास्टैग लगेगा, या फिर कहीं भी आप लोग एयरटेल का फास्टैग का यूज कर सकते हो। तो यही छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आपको सब कुछ डिटेल में मैंने बताया होगा, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनसे भी अगर फास्टैग बनाना होगा तो वो इजीली बना सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।